हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए आप लोगों का नाम देखा, समर इम्यूनिटी, जिनको लोग बोलते हैं समर केयर। कुछ चीज़ों का मैंने आप लोगों का मतलब फोकस करवाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के भीतर बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो चीज़ खो जाते हैं। देखिए आज के डेट में मतलब हम लोग जैसे शुरू किया था बर्ड्स को पालना, मतलब केयर करना। कल ही एक दादा के साथ जैसे मैंने पर्सनल क्लास लेता हूँ बर्ड्स के ऊपर, उन लोगों के साथ बात हो रहा था, बहुत ही एक पॉइंट बात है, मतलब वैल्यूएबल बात है। उस टाइम पे उन लोगों तो बहुत पहले शुरू किया, लेकिन हम मान लीजिए मेरे 10 साल 12 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ, ज़िंदगी शुरू हुआ बर्ड्स को, एनिमल्स को लेके, तब इतना कुछ मतलब अवेलेबल नहीं था। हर कुछ के बारे में गलत किया, गलत करके सीखा, उस शिक्षा मतलब शिक्षा को अमल किया, नॉलेज बढ़ाया, तभी जाके आज आप लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर कर रही हूँ और वही शेयर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम पे आ रहा है। लेकिन आज के डेट पे मतलब बर्ड्स पालना, कोई भी चीज़ पालना, कुछ भी करना बहुत ही आम बात हो गया, यूट्यूब या इंटरनेट होने के कारण बहुत कुछ इजी हो गया, लेकिन इजी के साथ साथ प्रॉब्लम भी चल रहा है। देखिए आप लोगों के जो फ़ोन कॉल्स मैं अटेंड करता हूँ बर्ड्स का प्रॉब्लम्स के लिए, डिजीज़ के लिए या कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, तो इतना प्रॉब्लम्स क्यों, एक बार सोच के देखिए। क्योंकि देखिए जैसे आप लोग मेरे चैनल भी फॉलो, मतलब हमको फॉलो कर रहे हो, वैसे ही और भी दादा भाई को फॉलो करते हो जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। ये तो नहीं है जो सिर्फ हमको ही फॉलो कर रहे हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों का हर किसी को सुनता हूँ, मतलब तभी जाके जिसको मतलब लगता है ये बंदा सही बोल रहा है या काम आ रहा है, तभी आहिस्ता आहिस्ते उसके साथ जुड़ने लगते हैं, जैसे आज के साथ आज की डेट में मेरे साथ हो रहा है। आप लोगों ने जैसे बोला, किया, फल मिला, तभी जाके हम आप लोगों को लगता है ये बंदा सही बोल रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन हमेशा गलत होता है और सही इन्फॉर्मेशन हमेशा सही होता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए बोला, क्योंकि मार्केट में सही भी है गलत भी है। जैसे देखिए ये जो विंटर जा रहा है, समर घुस चुका है, मतलब घुस चुका है प्रॉपर, मतलब स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब सही से देख पाओगे। नेचुरली अगर हम लोग सोचे तो आफ्टर होली आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ता रहेगा, अभी तो बहुत मौसम का उलट पलट हो रहा है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है आफ्टर होली आहिस्ता आहिस्ता गर्मी स्टेबल होने लगता है। तो ये लोग इसको बोलते हैं समर केयर, विंटर केयर, तो ये केयर नहीं है। केयर तो हम लोग सारा पूरा साल ही करते, एक्स्ट्रा केयर कर सामान में हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जो हम विंटर में नहीं करते, या विंटर में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जो समर या रेनी सीजन में नहीं करते, दोनों चीज़ में आपको फर्क जानना पड़ेगा। देखिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे अभी छोड़िए अभी क्या हो रहा है, मतलब मौसम या क्लाइमेट जो कुछ भी बोलिए उसके ऊपर तो हम लोगों का ज़िंदगी खड़ा है, मतलब कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम है, जो हम लोगों को फूड मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, सीजन के अनुसार प्रकृति उसको उगाते हैं और वही चीज़ मतलब खेती से जब हम लोगों के पास आते हैं वही चीज़ खा के हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब पूरा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है हम लोगों का ज़िंदगी, माने या ना माने, सही से देखे, डीपली देखे तो। वैसे ही हम लोगों का वार्ड्स भी ऐसे ही डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रेडी हो रहा है हम लोग जैसे, और एक होता है वाइल्ड एनवायरनमेंट, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सब कुछ होता है उस वहाँ पे। मान लीजिए बारिश हो रहा है तो इतना ही पे बारिश हो रहा है, मतलब कुछ आता पता नहीं, गर्मी तो इतना गर्मी कुछ आता पता नहीं, तो यहाँ पे दोनों पोर्शन हो गया, मतलब एक्सट्रीम लेवल का वेदर और एक होता है डोमेस्टिक लेवल का वेदर, मतलब वेदर को हम लोग अपने लोगों के शरीर के माइंड या सब कुछ के हिसाब से हम लोग
उसके साथ एडजस्ट करते हैं खुद को। वेदर हमको हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, हम लोग वेदर के साथ एडजस्ट करते हैं। जैसे विंटर के मौसम में, विंटर को मतलब पंखा एसी को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति जो एसी है उसको तो नहीं बंद कर सकते ना। तो तभी जाके मतलब कोई चादर या कुछ भी ऐसे गर्म कपड़े हम लोग पहनते हैं जो शरीर में गर्मी मिले, शरीर सही रहे। वैसे ही समर के मौसम में, इतना गर्मी के मौसम में हम लोग आर्टिफिशियली एयर टेबल फ़ैन या आपका सीलिंग फ़ैन या एसी कूलर ये सारे चीज़ यूज़ करते हैं जो गर्मी को थोड़े बहुत हम लोगों के हिसाब से एडजस्ट कर सके। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है क्लाइमेट या वेदर। तो जो ये मेरा आज का टॉपिक है, लेकिन जो हमने पहले बोल के शुरू किया था, अब लोगों के मतलब आज के डेट में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हर एक मतलब ओपन करो, नेट है तो ओपन करो और नॉलेज मिल जाएंगे। क्योंकि लेकिन कौन सा नॉलेज आपको मिल रहा है यार, किस नॉलेज को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है आपका ये जीवन, मतलब बार्ड्स फील्ड। अगर हम लोग क्या करते हैं, सुनकर सब कुछ करते हैं, कुछ होता है मेडिसिन के बारे में जानकारी। देखिए, जैसे एक बात मैंने उस दिन बोला था, आप लोगों को ख्याल है कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ख्याल है, जो मैं इस चैनल पे नहीं, मेरा आवाज़ सराउंडिंग लाइफ शांतनु में जो बार्ड्स के टिप्स हम शेयर करते हैं, मतलब बिजनेस के बारे में, मतलब ब्रीडिंग सेटअप के बारे में, तो ये पे एक बात बोला था, जो बिजनेस या जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके काम करने का मज़ा कुछ और होता है। चाहे वो अब मतलब सक्सेस मिले या आपको कुछ और मिले, लेकिन मज़ा लगता है। अगर आप कुछ ना जानते हुए करो, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको बार्ड्स पालने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा या मेडिकल साइंस जानना पड़ेगा, नहीं, ये काम मेरे पे ऊपर छोड़ दीजिए जो मेरे चैनल को फॉलो करते हो। आप सिर्फ जो बोल रही हूँ वही कीजिए, ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं जो सही इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो आप लोग करके देख लिया, कितना आपका बार्ड्स मतलब प्रयोग करके कितना हेल्प हो रहा है कि नहीं आपने खुद देख लिया। तो हम लोग सुन कर करते हैं, किसी ने ये मेडिसिन बोला तो किसी ने वो खाना बोला, ऐसे रख, तो हर चीज़ सुन के आज इतना प्रॉब्लम है। देखिए आज के डेट में, आज से मेरी मान लीजिए, मैं जब शुरू किया था ये सफ़र, ये ज़िंदगी बार्ड्स को लेके, तब इतना कुछ नहीं अवेलेबल था। सब कुछ स्टडी करके जाना, मतलब डॉक्टर के साथ बैठना उठना, हर दिन रात इकट्ठा करके जाना, मेडिसिन के बारे में जाना, मेडिकल साइंस पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ा, तभी जाके आपको नॉलेज ज्ञान दे रही हूँ मैं, परिष्कार भाषा में यही बोलना चाहता हूँ। लेकिन आज के डेट में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी इतना प्रॉब्लम्स की, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मार्केट में बहुत स्प्रेड करके रखे हैं लोग। ठीक है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी के साथ कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये वास्तव है। तभी जाके अब कुछ भी देखिए, आपका अगर बार्ड्स बीमार है तो उसको उसी के बीमारी के हिसाब से मेडिसिन होना चाहिए, उसको केयर होना चाहिए, ना कि उसका हाई में चले जाओ। हाई में क्योंकि बार्ड्स, जब कोई भी इंसान हो, कोई भी लिविंग थिंग्स जब मतलब बीमार होता है तो उसका इम्यूनिटी डाउन में रहता है। उस टाइम पे बहुत ही सोच समझ के, अगर सही जो डॉक्टर है उसको एंटीबायोटिक या कुछ हाई डोजेज मेडिसिन दिया जाता है, नहीं तो वो शरीर में जाते हुए ही उसका हार्ट में ब्लॉक कर देता है, या हाई एंटीबायोटिक होता भी वैसे ही होता है। तो तभी जाके उसको बीमार को या बीमारी को पकड़ के सही करके तभी जाके ये करना चाहिए, तभी जाके वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टेज में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए नॉलेज है, लेकिन नॉलेज की कमी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस टॉपिक का नाम दिया समर इम्यूनिटी। किसी ने आज तक ये नाम नहीं सुना, ये कोई नाम नहीं है, एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक कंटेंट है जो सही है। जैसे मैंने फिर बोल रही हूँ, एक होता है मतलब एक्सट्रीम लेवल का वेदर और एक होता है डोमेस्टिक वेदर। जैसे हम लोग इस आने वाले दिन में जो मतलब फ्रिक्वेंटली वेदर चेंज हो रहा है, उसमें हम लोगों का भी प्रॉब्लम, हम लोगों का बार्ड्स का भी प्रॉब्लम, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग शहर में रहता है या गांव पे रहता है, कहाँ पे भी रहता है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ऐसे है
लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे आप जाए या कोई जंगल में जाए, कोई पहाड़ में जाए, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे बहुत कुछ होता है। जब बिजली भी गिरता है तो मतलब मान लीजिए गिरने के आवाज़ से ही आपका हार्ट फेल हो जाएंगे। लेकिन इधर भी होता है, अभी अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है तो इसीलिए मतलब कुछ भी होता है, मतलब बारिश हो ना हो, बाढ़ मतलब बिजली तो गिरता ही गिरता है। तो इसी लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, या मतलब हो रहा है नहीं, हो गया है और भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? मतलब एक चीज़ में अगर एक सेंटेंस एक वर्ड में हम लोग बताएं तो क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज़ करना पड़ेगा, वो है आपका बार्स का इम्यूनिटी को पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी जाके। क्योंकि ये कोई केयर नहीं है, केयर हम लोग करते ही है सिर्फ सीजन के अनुसार। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होता है विंटर से जो समर की ओर जा रहा है, जब स्टेबिलिटी आ जाएगा, सीजन का एक स्टेबिलिटी आ जाएगा, तब इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जो एक मतलब रास्ता मतलब चल रहा है, जो रात में थोड़ा सा ठंड लगता है, दिन में अगर बाहर निकले गर्मी होता है, तो ये चीज़ हम लोग तो घर में है, कभी बाहर में है, काम काज में है, मतलब आना जाना में बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है, हम लोग कोई घर में बैठे हुए नहीं है। लेकिन हमारे लोगों का बार्ज कॉलोनी कॉलोनी कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, वो तो ज़्यादा मतलब बाहर नहीं जा रहा है, भीतर नहीं, मतलब एक ही स्थान पे वो बिजी है अपने काम काज में, या हम लोगों ने जैसे उसको स्पेस दिया है उसी के हिसाब से वो रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे केयर नहीं, यहाँ पे इम्यूनिटी और केयर दोनों में सोचना पड़ेगा। कल एक बात बोला था, एक बेबी उसके माँ बाप के ऊपर डिपेंड है और माँ बाप हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए पूरा एंटायर जो आपका सेटअप है, एंटायर का मतलब पूरा सेटअप जो है वो पूरा निर्भर है हम लोगों के ऊपर। हम लोग कैसे खाना प्रोवाइड करेंगे, कैसे कब पानी प्रोवाइड करेंगे, कब सीट्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ डेफिशिएंसी हो तो कब उसको केयर ट्रीटमेंट करेंगे, सारे चीज़ हम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है। इसीलिए जो नॉलेज पक्का रखिए, क्या आप करने जा रहे हो, क्या आप कर रहे हो और क्या आप करोगे, ये तीनों चीज़ आपके सामने क्लियर होना चाहिए। आई रिपीट, क्या आप करने वाले हो, क्या आप कर रहे हो, क्या मतलब अभी क्या मतलब जो कुछ भी मतलब तीनों चीज़ अतीत वर्तमान और भविष्य, क्या करने वाले हो, अभी क्या कर रहे हो, क्या किया था, इसके ऊपर आपका बार्स का पूरा ज़िंदगी निर्भर है, ठीक है। तो इसीलिए अपने नॉलेज को पक्का बनाइए, मतलब पॉजिटिव सही बनाइए। मैंने एक बात एक बार बहुत बार बोला था जो ये बात इस पॉइंट पे बहुत ही मतलब पॉइंट फोकस कीजिएगा। बिगिनर लेवल पे प्रॉब्लम होता है, हम लोग बहुत सारे आज के डेट में लोग वीडियो बनाता है, मतलब 2 महीना 3 महीना बार्स पाल के भी लोग शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का धारणा है यूट्यूब से पन का पैसा आता है, ज़रूर आता है, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट देना पड़ता है वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कुछ भी डाल देता है वीडियो में। हम लोगों की फील्ड में ले लीजिए, तो इसीलिए हम लोग जो बिगिनर है, मतलब बाज़ार है ही एक मार्केट है, हर दुकान पे जाके चेक कर रहे हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट कहाँ पे सही मिल रहा है, ठीक है, कहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है। ये हम लोगों का एक हैबिट है, मैंने ह्यूमन हैबिट है, जहाँ देखा ये प्रोडक्ट सही है और डिस्काउंट भी मिल रहा है, वहाँ स्टॉक हो जाता है, मतलब रुक जाते हैं, फिर भी वैराइटीज़ ऑफ दुकान में घूमते रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है आपका? आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे, क्योंकि आज आपके मेरे स्थान पे मैं जब मैं हूँ मैं कन्फ्यूजन में नहीं जानूँगा, क्योंकि फेदर फुला के बैठ गए हैं उसको मतलब बुखार का मेडिसिन दूँ या कोई एंटीबायोटिक दूँ या अदरक का पानी दूँ, मैं बाखूबी जानता हूँ। इसीलिए मैं किसी का वीडियो मतलब किसी को वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, या किसी के पास फ़ोन करके पूछना नहीं पड़ेगा, या किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही नॉलेज है जो आपको आगे ले जाता है, जो आपको पक्का बनाता है। लेकिन आप लोग जिस बिगिनर लेवल पे हो तो जितने सारे वीडियोस देखोगे आप उतना ही कन्फ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि बुखार में कोई हमें देने के लिए बोलूँगा फर्स्ट टाइम अदरक दीजिए तुलसी का पत्ता, उसके बाद बोलूँगा मैं कैल्पोल दीजिए, एंटीबायोटिक बाद में एकदम लास्ट में आएगा। लेकिन दूसरे चैनल पे जाइए वो आप पहले ही बोल देंगे डॉक्सीसाइक्लिन मेरी क्वीन मॉक्स, इससे अलावा पृथ्वी में दुनिया में इस संसार में और कोई मेडिसिन नाम होता नहीं है, जानते नहीं हैं।
तो इसीलिए इस कॉन्फ्यूशन से पहले दूर होइए। अगर मैं देखिए सोच के देखिएगा, ये बिगिनर लेवल पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अगर मेरे को पकड़ के चल रहे हो तो मेरे को ही पकड़िए, नहीं तो मेरे को छोड़ दीजिए, दूसरे और को पकड़िए, क्योंकि आपका नॉलेज का डिस्टर्ब हो रहा है। हम किसी के लिए देखिए, आज मेरे सभी अपने अपने मकसद के लिए वीडियो बनाते हैं, मेरा मकसद है कि जो आप लोगों का भला हो, ठीक है, और यही मेरा मकसद है, और इसके छोड़ कर और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए हर दिन नया वीडियो, नया टॉपिक के साथ, नया कुछ इन्हें मतलब नॉलेज के साथ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जो आप लोग कुछ सीखे। दो दिन रहे या दस दिन रहे या दो साल इस चैनल के साथ जुड़े रहे, जब भी जाए कुछ सीख कर जाए, और कुछ आपको मतलब वीडियो देखने के लिए सिर्फ आपका नेट बैलेंस जा रहा है और थोड़े बहुत बैटरी जा रहा है और टाइम जा रहा है, उससे अलावा ना पैसा कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ रहा है देखने के लिए सुनने के लिए। और जो जो लोग प्रयोग कर चुके हो, आप देख ही चुके हो मेरे को फॉलो करके, आपका डेवलपमेंट हो रहा है या आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ों का डाउनफॉल हो रहा है या आपको इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, कॉन्फ्यूशन से पहले दूर आइए, तभी जाकर आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब फ़र्क करना सीखिए, मतलब फ़र्क महसूस कीजिए। जो नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे क्या बोलेंगे, कैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है तो हमको वाटर जैकेट नहीं पहनना पड़ेगा, वाटरप्रूफ जैकेट नहीं, उसमें छत मतलब जो अम्ब्रेला है अम्ब्रेला से ही काम चले जाएगा, या ऊपर से थोड़ा सा ऐसे करके भी हम दौड़ के जा सकते हैं। मूसलाधार बारिश हो रहा है तो रेनकोट या ऐसे कुछ, या ज़्यादा बुद्धिमान है तो थोड़े दिन रुक जाएंगे, थोड़ा सा शैडो के नीचे या सॉरी कोई सपोर्ट के नीचे रुक जाएंगे, मतलब हम फर्क महसूस करवा रहे हैं। मैं इस टॉपिक का नाम ये भी दे सकता था, समर केयर, समर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर सीजन में एक ही बात है, इम्यूनिटी, और उसके साथ साथ सीजन का जो फूड, जो जो वेजिटेबल्स, अभी तो आज के डेट में हर सीजन में हर वेजिटेबल्स मिलता है, क्योंकि वो मतलब ऑर्गेनिक हो चाहे कुछ भी तरीके से, हम लोग खेती में हम लोगों को उत्पादन होते रहते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो कुछ भी मतलब वेजिटेबल्स हो या फ्लावर हो, कुछ भी हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर सीजन में हर कुछ मिलता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है, ज़्यादातर चीज़ मिलता है। तो इसीलिए आपका जो बर्ड्स का जो फूड हैबिट है, उसी के साथ साथ इसीलिए मैंने जो करता हूँ, मेरे घर में जो कोई भी बार सेल्फ फीडिंग तक आता है, मतलब सेल्फ फीडिंग में आ जाता है, हर वेराइटीज़ उसको खाने के लिए सिखाता हूँ, चाहे वो सब्जी में कुछ हो, मतलब वेजिटेबल्स में कुछ हो, फ्रूट्स में हो, एक फूड हो, सब कुछ, क्योंकि वो अगर मेरे पास तो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के पास जाए, कोई नया एनवायरनमेंट में जाए, नया स्थान पर जाए, तो वहाँ जाके भी हर जो वैरायटीज़ है उसमें से आप कुछ गिने चुने चीज़ प्रोवाइड करते हो तो खाना सीख जाए। कुछ कुछ बार ऐसे होता है, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था है, वो जो प्रॉब्लम 5 दिन से 7 दिन होता है, बार्स खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने स्ट्रेच मतलब स्पीड पे चले आते हैं, जो उसका स्पीड है, ये अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन मैं फ़ोन कॉल्स रिसीव करता हूँ, दादा मेरे बार्स फ्रूट नहीं खाते, मेरे बार्स सीड्स खाते हैं, ये खाते, ये एक प्रॉब्लम है आज के डेट में, जहाँ से आप लोग बार्ड्स को लेते हो या ख़रीद रहे हो, खिलाना नहीं सिखाते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोगों को ही देख लीजिए, बार बार यही उदाहरण इसीलिए देता हूँ आप लोग समझे कुछ, हम लोग क्या करते, ये विंटर से समर आ रहे हैं, क्या मल्टीविटामिन खाएंगे ना, जो खाना हम लोग रोज़ खाते हैं वही खाएंगे, है ना। हाँ, जिसका डायबिटिक है या शुगर है उसका मेडिसिन अलग अलग है, वो अलग पोर्शन में बात हो जाता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वेदर चेंज के लिए कि दवा खाएंगे ना कुछ और खाएंगे, खाना जो खाते हैं वही खाएंगे और उसी से उसका इम्यूनिटी ग्रो करेंगे, जो ऐसे आपका मेरे हो रहा है। वैसे ही बार्ड्स को वैसे ही देखिए, उसको इम्यूनिटी में फोकस कीजिए, और कुछ क्या नहीं करना पड़ेगा आपको, और इम्यूनिटी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आप कैसे उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे पानी प्रोवाइड कर रहे हो, पानी को कैसे आप मतलब थोड़ा सा वैराइटीज़ में ले आ सके हो, मतलब नारियल का पानी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोल का पानी,
नमक, नींबू का पानी, ऐसे वैरायटीज़ जो है जो उसको बॉडी को ठंडा रखे, जिसको टॉप में मतलब टॉप में सेटअप है, तो इतना धूप में बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोगों का ही होता है, तो एक बार से होगा ही होगा, ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो आपका पूरा सेटअप ही मान लीजिए धूप में जल रहा है, तो गर्मी तो नीचे आएगा ना, तो उसको प्रॉब्लम है उस टाइम पे बॉडी को टेम्पर मतलब आपका डिहाइड्रेशन को सॉरी डिहाइड्रेशन बार्स ना होए तो उसको हमेशा रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, मतलब पानी का मात्रा को हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा। मेन चीज़ है न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, न्यूट्रिशन न्यूट्रेट अगर आपका बार अगर न्यूट्रेट है बॉडी से तो ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, मतलब जितना भी है जो कुछ भी है इतना बोल सकता हूँ स्टेबल है। आने वाले दिन में मैं जितना भी बड़ा करूँगा छोटा करूँगा अलग बात है, लेकिन अभी जो है स्टेबल है, ना कुछ चेंज होने से प्रॉब्लम होता है ना बीच में, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे बार्ड्स का चाहे वो फिंज बार्ड हो या कनूर बार्ड हो इम्यूनिटी में ध्यान दिया, मतलब न्यूट्रिशन को सही मात्रा में प्रोवाइड किया, और एक चीज़ में ध्यान दिया लीवर फंक्शन को हमेशा सही रखने की कोशिश किया, अभी भी कर रही हूँ आने वाले दिन में भी करूँगा, क्योंकि लीवर फंक्शन अगर कोई भी बार्ड्स हो या ह्यूमन हो सही है तो जो कोई भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, जो कोई भी का मतलब एक बैलेंस डाइट जब खाएंगे वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि खाने में ही सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स मिनरल्स सब कुछ होता है, तो वो जब शरीर में चले जाते हैं शरीर का जो एंजाइम्स वगैरह है पेप्साइन बोल के एक एंजाइम होता है जो खाने को पचाता है, लेकिन बार्ड्स का दोनों पेट होता है, बार्ड्स का दोनों पेट होता है, एक गिजर्ड बोल के है जो कॉप से स्टोमक तक आने के लिए जो पाइप से आता है, एक पहले पेट में फिर उसके बाद गिजर्ड में जो सख्त खाना को पचाया जाता है, तो दोनों ही लीवर फंक्शन अगर आपका बार्ड्स का सही है तो हर जो खाना का जो खाने शरीर में जाने के बाद जो पोर्शन में जो फैट प्रोटीन विटामिन लगना चाहिए वो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से तोड़ के शरीर में मिल जाता है, तभी जाके उसको इम्यूनिटी पावर बूस्ट होने रखते हैं, मतलब इम्यूनिटी लेवल स्टेबल रहता है, लेकिन लीवर फंक्शन अगर डैमेज है तो ये जो देखिएगा कुछ बार फोन कॉल्स आ रहा है दादा गर्मी अभी आया भी नहीं है सही से बॉडी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मतलब क्या है वेदर कब भी जब भी जो कोई चेंजेस होता है ना वेदर का रुख जब भी मतलब हवा का रुख या वेदर जब भी ट्रांसफर होता है या ट्रांजिशन होता है वेदर का ट्रांसफॉर्म होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो फर्स्ट चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो डाइजेशन सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए बाहर का मौसम भी एक बहुत ही वैल्यू मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए वेदर चेंज होने के कारण इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपका लीवर स्ट्रॉन्ग है और इम्यूनिटी सही है तो आप ज़्यादा मतलब क्या होता है ना मान लीजिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में जैसे आप लोग देख थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ले लू का मतलब वो मतलब थोड़ा सा डम हुआ फिर निकल पड़े, और कभी कभी 2G नेटवर्क जैसे होता है वो चक्का ऐसे घूमते ही रहेंगे फिर आधा घंटा बाद मतलब उसके बाद से शुरू हुआ, तो लीवर स्ट्रांग होने के कारण थोड़ा सा धक्का आएगा लेकिन वो संभाल लेंगे, नहीं तो मतलब अभी वो समर शुरू ही नहीं हुआ फोन कॉल्स आना शुरू हो गया दादा पॉटी शुरू हो गया या लबर्ड का आई इन्फेक्शन शुरू हो गया, तो क्यों इतने सारे क्यों आप जो कुछ भी कर रहे हो आप तो जान रहे हो आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो सही से, मतलब इम्यूनिटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपका बार्ड्स का लीवर फंक्शन सही नहीं है, क्योंकि अब बोलेंगे दादा इम्यूनिटी के साथ लीवर का क्या लिंक है, वही तो लिंक है मेन, सही से खाना हम लोग अगर मान लीजिए आप सबसे बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसी से आपको खाने के चार्ट तैयार कर लिया उसी के हिसाब से खाना प्रोवाइड कर रहे हो मतलब एक नेचुरल और मेंटेन डाइट प्रोवाइड कर रहे हो इसका मतलब तय हुआ, लेकिन लीवर आपका बार्ड्स का सही नहीं है तो उसको खाने को सही से कैसे पचा पाएंगे और खाने में जो न्यूट्रिशन है बॉडी में कैसे काम आएंगे, बोली बोल के सोच के देखिए ना हर चीज़ सोचना पड़ेगा तभी जाके हम लोगों को समझ में आएगा, सिर्फ सुनना और कर देना नहीं है,
लव बर्ड्स आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास थोड़े बहुत ज़्यादा है, मेरे पास थोड़े बहुत कम है, लेकिन उसमें बेहतर भी वही लीवर, हार्ट, किडनी, सॉरी इम्यूनिटी पावर है जो जो है, और आपके उसके बाद आपके पास भी वही है, लेकिन आपका तो आँखों में पानी हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने दोनों चीज़ में अभी बोल रही हूँ, इम्यूनिटी पावर और लीवर में ध्यान दें, मतलब लीवर के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी ध्यान दिया, तो यही चीज़ कीजिए। और उसके साथ साथ इसका विस्तारित रूप जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन जो बात बोला थोड़ा सोच के देखिएगा, इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक बात के भीतर एक इनर मीनिंग होता है, वो इनर मीनिंग को पहचानिए हम क्या बोलना चाहते हैं। उस समर सीजन में पानी में ध्यान रखिए, पानी को बदल बदल के दीजिए, जितना हो सके केज का आसपास केज फ्लोर परिष्कार रखिए, डर्टी ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस बहुत ही हो जाता है आपके केज फ्लोर से, फंगल, बैक्टीरियल, सब कुछ, स्किन इन्फेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ। पानी को थोड़ा सा डिजाइन मतलब क्रिएटिव बनाइए, नारियल पानी हो, चाहे जो आप एफोर्ड कर सको या आपके टाइम के अनुसार, उसके साथ साथ सीजन वाला खाना को भी प्रोवाइड कीजिए घुमा फिरा के, लेकिन वो बैलेंस डाइट हो। तो आज इतना ही, सही से जानना चाहते हो कैसे क्या समर में करना पड़ेगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तभी जाके मैं वीडियोस बनाऊँगा। आने वाले दिन में और भी नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला कर आ रही हूँ, चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर बोल रही हूँ, आप एक दिन रहे या दो दिन रहे या दो साल रहे या दो महीना रहे, आया है तो रुक जाइए, कुछ सीख कर जाइए इस चैनल से, याद रखेंगे जो कोई ना कोई था कुछ ऐसे बोला था जिसके कारण मेरे बार्स सही है। चलिए नमस्कार, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा।